ट्रेन का सफर। भाई सबा, ये एक सच्ची घटना है। 1960 की बात है। सीमा अपने बच्चे और अपने पति के साथ अपनी बहन की शादी के लिए इलाहाबाद रवाना हो गई थी। ट्रेन का सफ़र तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, पर लंबा बहुत था। शाम के समय सभी यात्री थक कर सो चुके थे। तभी अचानक ट्रेन को सिग्नल मिलना बंद हो गया और वो एक घने जंगल में आ रुकी। जंगल के बीचों बीच रुकी ट्रेन ने सभी यात्री को डरा दिया, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे और अंधेरा बहुत हो चुका था। सीमा अचानक अपने बच्चे के रोने की आवाज़ से उठ गई। बच्चे को चुप कराने में लगी थी सीमा, तभी अचानक सामने बैठी औरत ने कहा, ओ बहन, अपने बच्चे को चुप करा दो। सीमा ने वो औरत से पूछा, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, आखिर बात क्या है? तभी वो औरत ने कहा, ज़रा खिड़की के बाहर नज़रें डालो और खुद ही देख लो। तभी सीमा ने अपनी नज़रें घुमाई और खिड़की के बाहर देखने लगी। जो सीमा ने देखा वो कभी भूल ना पाए। उसने देखा कि 9-10 सफ़ेद साए एक घेरे में नाच रहे थे और कुछ अजीब सा खा रहे थे। वो साए दिखने में बहुत ही अजीब थे। उनकी आंखें छोटी छोटी और मुंह तो इतने बड़े कि जैसे एक निवाले में एक बच्चा निकल जाए। वो साए के हाथ पैर भी बहुत लंबे लंबे थे। इंसानों की गिनती में तो मानो वो साए आए ही नहीं। सीमा ने जल्दी से अपने बच्चे पर ध्यान डाला और तभी वो औरत ने फिर कहा, ओ बहन, बच्चे को चुप करा दो, वरना ये साए बच्चे की आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारे बच्चे को निगल जाएंगे। सीमा ने जल्द से जल्द दूध की बोतल निकाली और अपने बच्चे के मुंह में डाली और फिर वो खिड़की की तरफ देखने लगी। सीमा बहुत ही डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। सीमा मन ही मन में यही दुआ करने लगी कि काश ये ट्रेन जल्दी शुरू हो जाए और सभी को ये घने और डरावने जंगल से छुटकारा मिले। कुछ समय बाद ट्रेन शुरू हो गई और सीमा वो साए को तब तक देखती रही जब तक कि वो साए उसकी आंखों से दूर ना चले गए। ट्रेन तो इलाहाबाद पहुंच गई थी, पर सीमा की आंखें वो रात का मंजर कभी भूल ना पाई।